हेलो बच्चों, माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ के जितने भी बच्चे एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ करके अभी बैठे हुए हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से बच्चों को यह पता ही नहीं कि आखिर वह ट्वेल्थ के बाद करें क्या, ठीक है। तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें अभी यह नहीं निश्चित हुआ है कि आखिर ट्वेल्थ के बाद करें क्या। तो मैं बहुत सारे ऑप्शन लेकर आई हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपकी जिसमें रुचि हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, उस फील्ड को आप चुन लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको इसमें दूंगी और सारी जानकारी भी दूंगी, कैसे एग्जाम होते हैं, किस तरह के पोस्ट होते हैं, कैसी उनकी सैलरी होती है, सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की, ठीक है। सबसे पहले एनडीए की बात करेंगे। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें तीन पोस्ट होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ट्वेल्थ के, यानी कि बच्चे साइंस के होने चाहिए। जो बच्चे साइंस लिए हुए हैं वह यह चीज़ चुन सकते हैं, ठीक है। यह फील्ड उनके लिए है, साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी शादी नहीं हो और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। और बात कर लेते हैं एज की, तो 16 से 19 साल की एज होनी चाहिए, 16 से 19 साल तक की एज होनी चाहिए। और इसमें आपके दो तरह के एग्जाम होते हैं, मैथ एंड गेट, एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और 900 मार्क के यह आपको होते हैं। एसएसबी का टेस्ट होता है, जो वह सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है, 900 मार्क के ये होते हैं। टोटल आपके 1800 के एग्जाम होते हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी इसमें स्टार्टिंग 56,000 से होती है, 2.5 लाख तक की जाती है, ठीक है। और अगला जो दूसरा हमारा है, उसमें आप ट्वेल्थ के बाद एसएससी कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जैसे एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, तो ट्वेल्थ के सभी छात्र, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी। और इसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। 4 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं और इनके पोस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पोस्ट की बात करती हूँ, तो लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी सैलरी अलग होती है, यानी कि 18,000 से 22,000 तक की। जैसे जैसे आपकी पोस्ट होगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी डिसाइड की जाती है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 25,000 से 31,000 और पोस्टल असिस्टेंस, इसका 25,000 से 31,000 तक। और कोर्ट क्लर्क का 18,000 से 22,000 तक, यानी कि आप का जो पोस्ट होगा उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, यानी कि तीसरे एसएससी की। तो स्टेनोग्राफर में आपको ट्वेल्थ के किसी भी सब्जेक्ट से हो, ट्वेल्थ के स्टूडेंट होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। और इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह होती है कि आपका मैथ नहीं होता है इसमें, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैथ नहीं होता है, ठीक है। और टाइपिंग स्किल होता है, टाइपिंग स्किल का, यानी कि आपकी टाइपिंग स्किल देखी जाएगी, आप चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में जिस में भी करते हो, आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी की बात करें, तो 35,000 से अधिक इसमें सैलरी दी जाती है और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी इसमें दी जाती हैं। अगला जो है चौथा आप बात करते हैं, तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। यह भी एसएससी से ही रिलेटेड है। इसको ज़्यादातर 10th पास पे ही मांगा जाता है कि 10th पास स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज की मांग जो है 18 साल से 25 साल तक की जाती है, इसलिए ट्वेल्थ के स्टूडेंट ही करते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, ठीक है। इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखित परीक्षा आपकी होती है, 2 तरह के एग्जाम किए जाते हैं। सैलरी की बात करते हैं, तो 20,000 प्लस पे ही दी जाती है, ठीक है। और पांचवा बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज, 12th पास और या ग्रेजुएट हो वह भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, ठीक है, कर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। और सैलरी की बात करते हैं, तो 20,000 प्लस पे ही सैलरी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और छठा बात करते हैं एसएससी जीडी, जो आपको पसंद हो, इसमें से मैं बहुत सारे
यानी कि 10 ऑप्शन लेकर आए हूँ। आप लोगों को जो भी पसंद हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उसको आप चुनकर उसको कर सकते हैं। सारी जानकारी इसमें है। अलग से आपको अगर वीडियो चाहिए इसकी किसी भी चीज़ की, चाहे SSC GD हो, चाहे NDA हो, कोई भी हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल पूरी की पूरी आपको डिटेल उसकी अच्छे से दे दूँगी, ठीक है। तो SSC GD यानी कि जनरल ड्यूटीज़ कॉन्स्टेबल, SSC GD कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटीज, इसमें आपको कई पोस्ट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB, राइफलमैन, NIA, SSF, इसमें इतने सारे पोस्ट होते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वह 4 स्टेप में होता है। तो बात करते हैं पहला CBT और दूसरा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, 4 तरह के एग्जाम इसमें होते हैं, यानी कि 4 स्टेप में। और इसमें 10th बेस पर इसका एग्जाम लिया जाता है, यानी 10th के आधार पर ही इसका एग्जाम लिया जाता है। सैलरी की बात करते हैं तो 21,000 से 70,000 तक की इसकी सैलरी होती है, ठीक है। और इस तरह के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो हमारा अपलोड किया जाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं स्टेट पुलिस की बात करें जहाँ तक, तो इसमें आपके 3 तरह के एग्जाम होते हैं, रिटेन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। रिटेन टेस्ट में आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट में आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और सैलरी की जहाँ तक बात करें तो 20,000 से इसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और पोस्ट वाइज आपको सैलरी दी जाती है, जैसी आपकी पोस्ट होगी उसी हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। और 8वां बात करते हैं स्टेट लेवल SSC की, तो इसमें भी 3 तरह के आपके एग्जाम होते हैं, रिटेन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यानी आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और सैलरी की जहाँ तक बात करें तो 20,000 से स्टार्टिंग है और आपकी पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। 9वां आप फॉरेस्ट गार्ड का भी कर सकते हैं, रिटेन टेस्ट होगा इसमें, फिजिकल टेस्ट होगा, 2 तरह के टेस्ट होंगे। और एज की बात करें तो एज आपकी 18 साल से 28 साल तक की होनी चाहिए। और सैलरी की बात करते हैं तो 20,000 से स्टार्टिंग होगी, पोस्ट वाइज आपको सैलरी दी जाएगी, इसमें स्पेशल फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। और 10वां और लास्ट है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें भी आपके 2 तरह के एग्जाम होते हैं, फिजिकल टेस्ट और रिटेन टेस्ट, और मैथ फिजिक्स इसमें कंपलसरी होते ही हैं, ठीक है। तो साइंस के बच्चे ही ज़्यादातर इसको कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 18 से 22 साल तक की एज होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 21,700 से स्टार्टिंग होगी, आपको पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।